वेलकम टू माय चैनल साइंस आइकन। आज का वीडियो में हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी वह वेलोसिटी होता है जिससे कोई भी सैटेलाइट, चाहे वह नेचुरल हो या मैन मेड, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। सपोज़ हम लोग एक सैटेलाइट लेते हैं जिसका मास m है, रेडियस r है और कैपिटल M या me मास ऑफ द अर्थ है। वह सैटेलाइट पृथ्वी के सरफस से h हाइट पर है। तो इस h हाइट में होने के कारण पृथ्वी से उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा जो होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आई आर प्लस एच स्क्वायर। दूसरा, चूँकि सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो वह सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसके कारण सेंट्रिपिकल फोर्स उस पर काम कर रहा होगा, जो फोर्स होगा एफ इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर प्लस एच। इन दोनों फार्मूला से हम लोग फोर्स एस को इक्विवेलेंट लेंगे तो यह आएगा एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एच इक्वल्स टू जी एम एम कैपिटल एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर। आर प्लस एच से दूसरा आर प्लस एच स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा वी स्क्वायर बराबर जी एम बाई आर प्लस एच, जो लास्ट में बचता है वी बराबर जी एम बाई आर प्लस एच, जो उस सैटेलाइट का या कोई भी सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा जिसमें कैपिटल जी ई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, एम होगा मास ऑफ द अर्थ या प्लैनेट और आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ और प्लस एच जो हाइट है सैटेलाइट का पृथ्वी के सरफेस से कितना ऊपर है उसे एच के लेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्रेविटी फॉर्मूला से जी इक्वल्स स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, इससे हम लोग निकाल सकते हैं जी एम बराबर जी आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल जी एम बराबर स्मॉल जी आर स्क्वायर है। तो जहाँ हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी में अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर है उसको चेंज करके हम लोग उसका अंदर रखेंगे अंडर रूट स्मॉल जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच स्क्वायर। चूँकि पृथ्वी के सरफेस के मुकाबले एच बहुत छोटा होगा पृथ्वी के रेडियस के मुकाबले तो उसे हम नेगेजिबल लेंगे, तो इस प्रकार हम लोग पास बचेगा भी इक्वल्स टू कैपिटल स्मॉल जी आर स्क्वायर बाई आर। तो हम लोग के पास दूसरा ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा भी इक्वल्स टू अंडर रूट रूट जी आर कैपिटल स्मॉल जी आर है जो ग्रेविटी और रेडियस ऑफ द अर्थ होगा।